10 मार्च को उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। 10 मार्च को पता चल जाएगा कौन सी पार्टी 5 साल तक यूपी की सत्ता पर बैठने वाली है। ऐसी परिस्थितियों के बीच में लगातार सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उठ रहे हैं और एक सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ये उठा है कि आप गुंडों के खिलाफ कार्यवाही का दावा करते हैं, आखिर क्यों? राजा भैया पर अब तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की। आपको बता दें, कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया पर इस बार समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग जैसे आरोप लगाए हैं। सीधे तौर पर कई नेताओं ने राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोला है। कुंडा की जनता ने हालांकि इन तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया है, लेकिन एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और ये शख्स योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहा है। ये शख्स योगी आदित्यनाथ को कह रहा है कि राजा भैया आईएएस तक को झुकाते हैं, आखिर आपकी सरकार का बुलडोजर राजा भैया पर क्यों नहीं चल रहा। आपको बता दें, एक युवक ने बीजेपी पर भड़कते हुए ये आरोप लगाया कि आपकी सरकार माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का ऐलान करती है, तो आखिर राजा भैया खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? राजा भैया की गुंडागर्दी को कोई नहीं जानता। अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो उसको उठाकर तालाब में फैल देते हैं, आईएएस तक को अपने सामने झुकाते हैं। आखिर योगी सरकार ने अब तक राजा भैया पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? आपको बता दें, इस बार के चुनाव में राजा भैया लगातार योगी आदित्यनाथ के काम और उनके सरकार की तारीफें कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।